नमस्कार मंतव्य को स्वागत करुछी मु शक्ति साई मिश्र। बड़ प्रश्न केबे शेष हेब तपस्विनी तपस्या। आज्ञा हाँ आम कहूँ ब्रह्मपुर तपस्विनी दास का कथा जे कि लगातार भाव उद्यम चल स्वामी को फेरी पाइबापी डाक्तर सुमित साहू जे कि स्वामी एवं सेमाने परस्पर विच्छेद होते किंतु तपस्विनी चाहूले शशुर घर को फेरी जावाई स्वामी तांकर सहित रुहतु एवं शेषे कोर्ट का निर्देश क्रमे उभय एकाठी रहिले किंतु ता भितरे स्वामी सुमित तपस्विनी को धोखा दे कि सेठारो फेरार हो गले। पांच दिन बीती गला सुमित कौन खोज खबर ना एवं तांकर छुट्टी सरी जाउछि। आज डाक्तरखाना जो छुट्टी से नहीं थे डिंपल को सहित रही से छुट्टी सरी जा तो छुट्टी एक्सटेंड करेंगे कुआडे गले डाक्तर सुमित साहू कहीं से डिंपल को छाड़ी एभली धोखा दे पड़े कोर्ट को निर्देश जोटा कि अवमानना तो तपस्विनी डिंपल कर तपस्या सफल हेब कि कौन से करेंगे आग को कौन चाहती एवं तपस्विनी ए तमाम प्रसंगे आज आम तर मंतव्य नवा आम सहित अच्छा निजे तपस्विनी ओरफ डिंपल एवं आम सहित अच्छा जे कि वकिल रही प्रदीप बाबू सी आम सहित जोड़ी होती तो उभय को मु स्वागत करुच्ची। मु प्रथमे तपस्विनी आपण प्रतिक्रिया नवाक चाहिए बहुत लंबा हो गला तो ये जो तपस्या आपड़ चल लगातार भाव में विभिन्न उपाय आईन ठार आरंभ कर निजस्व उद्यम बल तो ये तपस्या केवे सफल हम सफल हम ना ना आपणकर कौन आशा? देख मुझे तो बड़े घर गोड़ गाड़ी बाहर आसल मुझे आज्ञा कि मुझा कर ठीक कर भूल कर हस्बैंड को पाइबापी कर मिशी रहा कर जानी मो भूल कोट रोचे केवल एबे मु आग मु एते स्ट्रांग थिली कि एबे मु कोट ना कोट टिके मेंटली इलनेस बहुत अच्छे किंतु मु एथरे भी हार माने भी नी जेते जाय मते मु सुमित न मिली चांस जेते जाय मु तंके पाखे न रही छी तेते पजने मु तंको फेरे आने पे निश्चय लड़ी जारी रखिबि। कोर्ट को निर्देश थिला आपण सांगे रहिले एवं अधारू छाड़ी जे फेरार हो गले एवं से बारंबार ता पूर्वर कही से आपण को आपण अलग हाँपाई चाहूंट कोर्टे मामला चली आपण जहा जहा कथा जो जो कथा अभियोग आणिले परिवार विषय विषय से गुड़ी से मिछ बोली कहले खंडन कले सत्वे एभली जे व्यक्तित्व जे कि आपण को बारंबार धोखा दे चली आपण को तथापि पाइबापी आप लड़े जारी रखी उद्यम जारी रखी आपण को कौन लगुच सारा जीवन पड़ी आप क्वेश्चन मु बहुत मीडिया मध्यम कही आरंबार बारंबार ये क्वेश्चन मत कहीं करा मुझे बुझी पाने गोटे स्त्री तो स्वामी लड़ा कि भूल कथा नु बुझे आल पाइबा गोटे स्त्री ही जानी थे तो स्वामी प्रति कौन अच्छे मुझे भी गोटे मीडिया जो मत लाइव चलता मुझे सेम क्वेश्चन पचारी मत बारंबार पचार जामित को कहीं विषय बारंबार पचार जाऊना गोटे क्वेश्चन भी सिंगल क्वेश्चन भी कराई था कि तुम्हें तुम स्त्री सहित कहीं कल दे बेटर आम पचार तपस्विनी मैडम आम पचार भी मन थी जिते आपमित डाक्तर सुमित एकाठी उभय को आम लाइव रखी थी से प्रश्न आम पचारि एवं से बहुत किसी कथा को सी एड़ाई जाते तो आम भी जदि सी तो वर्तमान फेरार अच्छा जब पाइबू ए प्रश्न भी निश्चित पचारू से कहीं कोर्ट को निर्देश पर भी से कहीं छाड़ी पलि गले आम निश्चित पचारू किंतु ये गोटे बड़ प्रश्न होना आपणकर जो अवस्था आपे कहले मानसिक भाव में आप जो हेडस्ट्रंग रही आप फाइट करुले घर आगे बसी रही घर आगे एत दिन काल एवं कोर्ट आपको गोटे बहुत बड़ा आश्वस्ति दे एवं तापरे
जितेबले ए अवस्था को आपण आसिलेने आपण निजे कहुछन जे मानसिक भाव रे भांगी पडुछंती ए अमर कहिबा कथा जे ये जो लढै जारी रहिबा पई मु जस्ट मानसिक भाबे एबे कोंतु देखो मु गुटे कथा कहिया पिन टाइम बी मणि तो केते स्ट्रांग थिले बी आखिर लोक अगिनती बे सुखी बनी कि से हसी हसी गुटे लढै केबे लढिबनी आउ गोटे कथा मुझे कहबी मुझे आज ये बसीचि आप लाइव दूची या मैंने खुशी खुशी सहित लाइव दौन कहीं मुझे सब प्रशासन सामने रे कही रखी दैट कि मुझे जहाँ भी करुच्ची मो स्वामी सहित मिसी रहा करदी मो स्वामी मोर भल रिलेसन न था ना आम भल पाइबा न था ना मुझे आग को के आस न आए कथा कह चाहे मुझे गोटे जिनस ही कही रखी ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏ କଥାଟା ହେଉଛି ସତ କଥା କେବଳ ମୁଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସିନା ଆଗେ ମିଛ କହିବି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାଟାକୁ ତ ଆପଣ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ମୋ କଥାଟା ହିଁ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଫେବୃଆରୀର କାଲି ମାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା କଥା ହେବାକୁ ଆଜି ସେ ଭଲରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନା ସେ ବ୍ଲକ୍ ହେଲା 7 days ଆମେ ଭଲରେ ଥିଲୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଥିଲା ହଠାତ୍ ସେ ଏମିତି ଭାଗିକି ଯିବା ପଛରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବାପାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଏକ ତୁମକୁ ମାରିଦେବେ ନହେଲେ ତ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ଯେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ରହିବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଶିକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କରିବା ମିଶିକି ରହିବା ତ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଘରକୁ ଯିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯଦି ମେ ବି ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କଲେ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ସଫଳ ହେବନି ଆଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ କେମିତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ଠିକ୍ କଲେ ସେ ସମୟ ତ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସୁମିତ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତା ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋବଳକୁ ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସିବି ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଯିଏ କି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ ସେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଛୁଟି ସରିଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ସୁମିତଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କର ସେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନୁହେଁ କୋର୍ଟ ନୁହେଁ ସାରା ସଂସାର ଜାଣିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚାପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଇନକୁ ଆଖିରେ ଠାର ଦେଇ ସେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି 5 ଦିନ ସରିଯାଉଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ପୁଣି ଛୁଟି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ CDMO ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅରଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ସୁମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆଇନକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ସସମ୍ମାନ ସୁମିତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାବା
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯେଉଁ କଥା ତପସ୍ୱିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସୁମିତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ସେଠି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ତାର ରୋଲ, ପୋଲିସର ରୋଲକୁ ନେଇକି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି? ଯଦି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସ ତାର ଠିକ୍ ରୋଲ ନିଭେଇଲା ନାହିଁ, ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଆଗରେ ଯଦି ସୁମିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଧରି ପୋଲିସ କୌଣସି ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଇନଗତ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସାତ ଦିନ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖି ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ରହିବାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ନେକ୍ସଟ 7 ଡେ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପାବନ୍ଦି ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ବୁଝାମଣା, କଥାବାସା ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି IIC ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ମହୋଦୟା ଉଭୟ କୋର୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର SDGM ଦେଖି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ପାବନ୍ଦି ହଟାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଏ ସମୟରେ ପୋଲିସର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ ନଥିଲା, କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଠୁ କୋର୍ଟରୁ ରାୟ ଯାଉ ଯାଉ ସାତ ଘର ଭଡ଼ା ଖାଡ଼ି ଖୋଜିବା ନାଁରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଖୋଜି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସୁମିତ ସେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ପୋଲିସକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସୁମିତ୍ର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି କୋର୍ଟର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପୋଲିସ ଯଦି ସେଠୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଗଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲା। ଓକେ, ତ ପୋଲିସ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଏଠି କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ପୋଲିସକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫେରାର ହେଲା ପରେ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ପୋଲିସର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଯାଇ ପୋଲିସ ଥାନାରେ FIR ଦରଜ କରିକି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ପୋଲିସର ଯାହା ରୋଲ, ଆମେ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବରହମପୁରରେ, ଝିଅ ରହିଲେ ଆସ୍କା IB ରେ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ରୋଲ କେବଳ ପୋଲିସ ହିଁ ଜାଣେ, କ'ଣ ସେ ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନାଇଁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ସୁମିତ କ'ଣ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ? ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା, ପରିବାର ଲୋକ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ତ ସିଏ ତ ଏଇ ଆଖପାଖ ଆସ୍କାରୁ ଯାଇକି କେଉଁଠିକି ସିଏ ଯିବେ, ଏମିତି ଫେରାର ହୋଇଯିବେ କେଉଁଠିକି ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବନି? ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରି ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଇଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଇଏ କେଉଁଠି ଏମିତି ଲୁଚି ଯିବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବନି? 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଘଟଣାକୁ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଓକେ, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆମର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ମୁଁ ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବି, ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଏବେ ନିଜେ କହିଲେ ରଟକି ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ବି ଫେରାର ହେଇଗଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିପାରେ। ପୋଲିସକୁ କୋଉଠି ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପଶିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାର? ପୋଲିସକୁ କୋଉଠି ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ମୁଁ କ'ଣ ବି କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରଖିବା ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଛାଡ଼ିବା? ପୋଲିସକୁ କୋଉଠି କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, କିଏ କହିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଛକି ଛକି ଜଗିବା, ଏମିତି ମୋ ମା ଭାଇ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏଇଟା କ'ଣ ପୋଲିସକୁ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା? ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ନ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏତେ ହଇରାଣ ମୋତେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଅ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଛାଡ଼, କୋଉ ଅଧିକାର ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ? ଯଦି ମୋତେ ବିନା ଅର୍ଡ଼ରରେ ମୋତେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି ସେ? ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମୋ ପ୍ରତି ବିନା ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲାଗୁ ରହୁଥିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିନା ଅର୍ଡ଼ରରେ କାହିଁକି ଧରା ହେଲାନି? 3 ଦିନ ନାଇଁ, 4 ଦିନ ଅଧା ହେଲାଣି, ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି, କ'ଣ କରାଯାଉଛି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ? କେବଳ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡିକି ରହିଛି, କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ SDGM ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି କି ସାର୍ ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ହିଁ ସାର୍ ପୁଣି ଖୋଜିବେ ନା, ପୋଲିସ ତ ଏମିତି କଥା କହିବେ, ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବୁନି। ପୋଲିସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ 2 ଦିନ ଯାଇ ଅନ୍ ବି ଥିଲା, ମୁଁ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି,
काई ना मो पेन रे सफर हेची मु कहा को न रिक्वेस्ट करची केही मते हेल्प करना दी केही बी हेल्प करना दी किंतु जेतेले पुलिस पुलिस रे मौलिक अधिकार एडा रहलानी जेतेबेले मो स्वामी चली गले आ मोर भरण माने जोडे खाइबा पीबा कॉफी हो लंच हो डिनर हो एडा आ रूम रो जो आईबी रो चार्ज पाई चार्ज दे देवा पाई पुलिस काई के ते तरबर होचंदी जे तांको मांगनी आमे दे दबु चार्ज ता काई ना सुमित को ऊपर थिला काई की कहीं से देवाई चाहूँ या मैंने से देवे आगे कह हाँ सुमित आम को देते तुम भरण पोषण तुम कर सब जदि प्रत्येक अर्डर ना सब किए कर पुलिस भूमिका पचर काप रोच लगुच तपस्वी मैडम सब किए कर देखो डायरेक्ट आज्ञा मुझे बड़े 9 तारीख दिन रात आईआईसी सर आउ एस डी पी ओ सर जो ये आसते किसी पुलिस प्लाटून को लेकिन मत डायरेक्ट आस कहते शुण आउ तुम हस्बैंड फेरार हबार उपर अच्छा हस्पिटा हस्पिटाल रू पल आउे तुमको ही रखा पड़ो कहली मुझ पूरा अधर्य हो गली मुझे सर मुझे कौन करी मुझे किसी करें तो हस्पिटाल अच्छे ना रुह आम कमी हेल्बि कल बेले कौशल डकई आणबू से डक आणिले आगे जो जाऊे कन्स्टेबल मैंने कहले भी ए तू कड़े पलब आम तो देखा तो कार कड़े ये घुंच तापर हठात गोटे कल आसला सर यू भितर को जाते देन तापर किसी कथ डायरेक्ट आस मत कह तुम बाबा कहीं डीआईजी की फोन कर आईजी किए भी मुझे जानी प्रपर वार्ड शुणी कि कहीं फोन करमें बाहर कर दूची कि रूम्रु मु तुम भलपाई तो कौच तुम स्वामी सहित जेहत अर्डर अच्छे तुम जीव मुझे सर देखो मो बाबा तो गोटे पुलिस अफिसर से चाहिए केत पुलिस अफिसर सहित कथापी जोजोग करेंगे कि चेस्ट करें तापर से कहले जना पड़ा ना ये हूँ सुमित को पापा फोन करते आफ्टर दैट कॉल मानने कॉल आसवा पर सार मत डाक एम कौन भूमिका नहीं आम एठ पलाऊ सुमित मानने फेरार हवा उपर अच्छे तुम्हें ही अटकई पार तो यार पूरा पूरी जना पड़ी चाप अच्छी देन तापर पुलिस भी जहाँ टॉर्चर कर जो भाई भाव तार मो पाखे प्रूफ भी रही जेतेबेले मु ओसेदिन मेडिसिन आनिया पे गला बेले पुलिस जेतेबेले घर बारंडा रे मते सुरक्षा दउचंती घर भितरे मते सुरक्षा दउचंती जोडा ऑर्डर नथाय कि भी ताहाले मु जेतेबेले बाहर गोट दिन बाहर को गली मेडिसिन पे बालेश्वर हॉस्पिटल जाइतनी बुझाबुझी पे ते कहले कौन कि ना केवल घर बारंडा रे घर भितर प्रोटेक्शन देवा पे ऑर्डर अछि किन सेतेबेले तो ऑर्डर लेखा ही नथिला किन सेतेबेले बारंडा रे घर प्रोटेक्शन दे पाउथिले ताले कहीं मत बाहर जाए प्रोटेक्शन दून कल तुम्हें मुझे कोर्ट जाए एस्कॉर्ट मांगी डायरेक्ट आईएसएस सर मो फोन उठे नी सब इंस्पेक्टर जड़े मैडम थे से मैडम मत डायरेक्ट कही कि आम कि कहन तुम अच्छा कहीं निश्चित रूप पुलिस भूमिका सन्देह घर को आसुच्छे पुलिस ये जाणीशुणी सहयोग करूनी पुलिस चाप रोच सीधा सड़क नहले मध्ये तपस्विनी जो कथा कहउछंती जे तांकर ससुर घर लोके पुलिस को प्रभावित करउछंती जोथि पाई कि पुलिस ठीक बाटरे तार काम करूना सुमित को खोजिबा कथा दुई दिन पर्यंत तांकर फोन जदि ऑन थिला से जदि से चाहिथिले पुलिस तांकु ट्रेस करि परिथांता किंतु काहे कि कला नाही ये मध्ये बड़ प्रश्न कारण ये कोर्ट कर निर्देश क्रमे उभय एकाठी रहिबा नै कि निष्पत्ति होइथिला तपस्विनी आउ गोटे कथा एठी आसुछि जे आपणकर फिलिंग कौन जितक दिन आप एकाठी रही आपण को कौन लगुच प्रकृतर सुमित आपण सांगे रही चाहूंट बाकी जीवन काटापी चाहूं एवं जो चाप कथा रही से चाप को एड़क सुमित पुणी फेरी आसी पारे पारे आज्ञा बापा जिते पर्यटन पचर लगे से पारे कौन तांको सांगो बंधु समस्त जानते बापा के प्रेसर करती मो आगे रे मो स्वामी सर्वेंट थाई कि कुकुर रा झाड़ा भी सफा कर कपड़ा भी धोई सुख लगुला कि केवल बापा को प्रेसर रे बापा हाथ में सब करें तो बापा को बहुत डरती बोली तो लुचिक रजिस्टर्ड मैरेज कर नईले कौन कह कि मेरेज कर पार नी जो से बाहर पर
बापा से तो डायरेक्ट कोई दिले ए जियो को तू विवाह कर परबो नाही सत्ते बेले ते जाके लुचे की माने हम दि जने मिसी की रजिस्टर दिलु जे तू से 8 मास ला मोट अलगा है कि 12 मास ला जे तू तंग बापा के कस्टडी रे अछंदी ऑब्वियसली जान छंदी आ गया बापा गोटे पुओ को कहिबो आ सुमित को अपन माने जानतु मोट अधिक त के जान नथि से जे मिसी पिल्ला तांको गोटे गाइडेंस कराइछि माने मिस गाइडेंस कराइछि कि तू जदि माने ए जियो से रहबु त मार एमती हार्ट 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 बीमारी जे अछि से मरि जेबे तू जदि से जियो से रहबु देखा हम घर रो इज्जत मान पळै लाडी तू जदि से जियो से रहबु त फ्यूचर प्रति विपद अछि तू से जियो से रहले पीजी पाई परिबुनु काहेन तोर जात करे लेखा आइछि बस सीमित आ देखंतु को बापा कहबो सेति कि गोटे सेति गोटे माने जो कहंती आज काले पुओ जेमिति पर पूरा बहुत चालक थांती बापा ऊपर भी आंसर दे दियंती बापा रो बापा जहा कहे ताकु बिखड़ी के भी ता ऊपर को जाई के काम करंती किंतु से जते सेमिति तने से मते लुची के भाई न थांदे मो तम गोटे क्वेश्चन तो सब दिन पछ जे तमे जदी बापा को एते डर बापा को कथा रे रुओ ताले मते मस्त विवाह काहे कि एबे केवल तम जीवन नाही मो जीवन भी नष्ट होचे काहे ना मु जानु छी मु केत्ते के मेंटली प्रेशर रे रहू छी मु एते टेंशन हेवी हो जाउ छी मो पे पूरा आज्ञा नै नै मु एत्ते के केवल जानि छी मु जसे सिंपल त अपन कहउ छथिन जे बापांक प्रति बापांकर चाप जोगु ही सुमित इच्छा थिले भी आपनक पाख को आसी पारु नाहंती आपनक संगे रही पारु नाहंती बापांकर आज्ञा पालन करबा प्रत्येक पुअर कर्तव्य प्रत्येक पुअ करबा उचित किंतु जो कथा ये आसी कमिटमेंट जेहेतु सी तांको विवाह कर सारी सी तांकर पत्नी तांको प्रति तांकर जो कमिटमेंट रही भी पूरण करार आवश्यकता रही एक नुहे जे बापा को अवज्ञा कर किंतु जो जहाँ को से विवाह कर ये रजिस्ट म्यारेज से रही एकाठी से रोते घर रोते तपस्विनी तेणु से कमिटमेंट को मध्य पालन करार आवश्यकता रही एक ये उठू मु प्रदीप बाबू आपण पाक आसवाक चाहिए जे एबे कौन आपणकर लीगल एक्शन कौन आपण परवर्ती पदक्षेप कौन रुणाणी जब आसव आपण प्रेयर रोर्ट को पाखे कौन रहा पूर्वर ही अपरपक्ष वकिल टाइम नहीं मान्यवर कोर्ट 7 दिन समय दे 17 तारीख पे इन द मीन टाइम ये जो अवस्था सृष्टि है जो अदृश्य शक्तिर चापरे आसी सुमित जो उभान हो गले से विषय में मान्यवर कोर्ट को गत काली आम अवगत कर सारी से भी से काउंटर देवे बोली 17 तारीख पर तारीख धार्य होमर तो मूल पिटिशन अच्छी सुमित पाखे ही डिंपल किपर रही गोटे ही आम मुख्य उद्देश्य एवं घर रही अति उत्तम होता मात्र इंटेरियम अर्डर में सुमित घर भड़ा काढ़ी नहीं रखापे जो मान्यवर कोर्ट राय देते से राय खिलाफ हो आगामी 17 तारीख दिन से वकिलों जुक्ति उपस्थापना करेंगे और आमर तो अलरेडी पिटिशन दाखल हो रही मान्यवर एसडीजेएम तर चिंताशील बुद्धिशील एवं वर्तमान समाज पारिपार्श्विक स्थिति के अनुध्यान कर निश्चय रूपे गोटे झील प्रति जपर अन्याय न हो सारा संसार चाहूँ झील न्याय पाओ कारण झीओटी बाहर ताप घर सहित तो संपूर्ण संपर्क तुटाई आसता है एवं से ही एश्योरेन्स भलपाई नहीं गोटे अलग घर भड़ा गाड़ी रखी थे सुमित पर टेक्निकली बापा किसी मंद उद्देश्य रखी जेहेतु आनी दिमास पर घर काढ़ प्लेन कथा से परिवार सहमति ना ये जगह जो भलपाइवा और भलपाइवा बहुत उपर डायरेक्ट संपूर्ण विरोध हो जिनसक मान्यवर एस डी जेएम महोदय एवं जिते चिंताशील व्यक्ति संसार अच्छा समस्त चिंता करने दरकार आज्ञा निश्चित भाव ये एभली एक संवेदनशील घटना ये तपस्विनी भविष्य निर्भर करुच्ची सबकि डाक्तर सुमित जे कि कोर्ट निर्देश पर भी छाड़ी चलीगले ये अभियोग आसे सुमित परिवार लोके खास करी बापा भूमिका को लेकिन प्रश्न उठाई अभियोग आनी तपस्विनी तो छुट्टी तांकर तो सरी जाउची जो डाक्तरखाना छुट्टी नहीं थिले तो छुट्टी जॉइन करिवे एवं जदि जॉइन न करुछंती छुट्टी एक्सटेंड करुछंती परवर्ती समय केते दिन जाए से भली भाव फेरार रहिबे एवं पुलिस रे जेहेतु तांको खोजिबा पाई तपस्विनी पक्षर पुलिस रे अभियोग करा जाइथिला एवं पुलिस काहेकि तांको खोजिबा पाई उद्यम करूना ए कथा को लेकिन मध्य प्रश्न उठू मु शेष रिएक्शन नबाकु चाहिबी शेष प्रतिक्रिया नबाकु चाहिबी आपणकर तपस्विनी जे आपण
कौन आगुक करिवे केते दिन जाय एठी आपण रहिबे ना 17 तारीख रे कोर्ट को निर्देश पर्यंत अपेक्षा करिवे आपणकर परवर्ती योजना आपण तो किछि निश्चित भाव रे करिथिबे लढाई को कोभली भाव रे आगुक नेबे देखंतु एबे तो 17 तारीख दिन जिमिति कहले सर कि जहाँ 17 तारीख दिन गोटे अर्डर हम मुझे डेट को ही अपेक्षा करी जे मान्यवर एस डी जी एम सर कौन निष्पत्ति नौकरी ये रिक्वेस्ट करी मान्यवर एस डी जी एम सर को कि जेहेतु मुझे कौन सी लिगाली अर्डर को केवे भी अवमानना करनी ग्रहण करी तो बिल्कुल भी नुह कहीं ना से ग्रहण करे सब कले से उठिक पलैले मुझे डायरेक्ट कहबीन जो ये उद्देश्य कि जानी घर घर लोक विशेषकर बापा घर गोटे मंद उद्देश्य रोचे मोटू अलग रखे मोटू के अलग रखिकी आउ का बहा करे तो मुझे लड़े जारी रखी थी जदि मु घुंची जाए बहुत मत तो बहुत मेन्टाली प्रेसर है कहीं मु बहुत मेन्टाली प्रेसर रोचे एनी टाइम केवल गोटे टेनसन रहे कहीं एमती बापा करवा द्वारा मोर भी इज्जत जाकर भी इज्जत जाऊर मेन्टाली इलनेस मेन्टाली इलनेस होती मु जानी ये लड़े के सर कितु लड़े तो मुझे जारी रखी ही पूरा शेष पर्यटन जिते पर्यंत मु मो स्वामी को न पाई मो सुमित को न पाई से पर्यटन ये लड़े जारी र कहीं मो मन भी गोटे हृदय अच्छी मो मन भी क्रोध बोली गोटे जिनस अच्छी मो मन कहते जो गोटे शांत बोली भी गोटे जिनस अच्छी तो आम एति कामना करूँ आम आशा करवा तपस्विनी लड़ई रंत शीघ्र घटू तर तपस्या सफल होवं स्वामी को फेरी पातु एवं उभय परिवार भितर जहाँ भी दृढ़ता रही जो भी बुझामणार अभाव रही से बुझामणा फेरी आसू तपस्विनी संसार सुखर संसार पुणि थे गढ़ी उठू ये केवल आम कामना कर बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए तपस्विनी एवं प्रदीपबाबू आम सहित जोड़ी हो तो तपस्विनी तपस्या केवे अंत घट तार उत्तर क्या पाखे ना 17 तारीख में कोर्ट कौन निष्पत्ति आसंता काली सुमित कार्य जोग दौंट कि ना सुमित जो फेरार अच्छी कहुच्छे सामना को आसुचना ना परिवार लोके सुमित का परिवार लोके तपस्विनी को ग्रहण करने इच्छा प्रकाश करुंट कि ना ना आग को ये लड़े जारी रहिबा एवं भाव में तपस्विनी केते दिन लड़े जारी रखिबे केबे तांकर तपस्या सफल हबो एवं ये प्रश्न आज भी रही तो समय होइछि मंतव्य क्विट रखा नमस्कार।